नमस्कार, मैं हूँ सौरभ प्रजापत और आज मैं खड़ा हूँ भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के बाहर, जो कि पुणे में है। जी हाँ, 50 साल और उसके ऊपर का इतिहास और लगातार 40 हड़ताल। जी हाँ, भारतीय सिनेमा जगत को FTII ने बहुत नामी सितारे दिए। जया बच्चन, नसीरुद्दीन शाह से लेकर राजकुमार हिरानी तक सितारे दिए। लेकिन आज के इस दौर में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII और छात्रों के बीच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जी हाँ, गजेंद्र चौहान की चेयरमैन पद के लिए नियुक्ति के बाद हड़ताल जारी है। आज ये हड़ताल को 81 दिन हो गए, लेकिन इसका परिणाम अभी तक नहीं निकला है। हम बता दें कि FTII में विजडम ट्री से लेकर हर जगह हड़ताल हो रही है, लेकिन क्या है ये पूरा मामला? क्यों हो रही है ये हड़ताल? क्यों हो रही है लंबे समय से 80 दिनों की हड़ताल? क्या हो गया ऐसा कि 80 दिनों से ये हड़ताल चली आ रही है? इन सब के बारे में हम बताएंगे आपको एक रिपोर्ट कि FTII का क्या है ये महायुद्ध। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। एक लाल कुर्सी और उस पर रखा एक भारी भरकम पत्थर और उसके बगल में खड़ा यह लाल सवाल। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में आने वालों को आजकल कुछ इसी अंदाज में लाल सलाम ठोका जा रहा है। जब FTII के गेट के अंदर कदम बढ़ते हैं तो थिटक जाते हैं, जहां आप इस उम्मीद से जाते हैं कि आपको लाइट कैमरा एक्शन के साउंड सुनाई देंगे। वहां चारों तरफ हड़ताल का एक्शन दिखाई दे रहा है। आप पाएंगे कि हर तरफ हड़ताल के नारे लिखे हुए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर की हुई है। कुछ इसी अंदाज में FTII के गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन का विरोध हो रहा है, मगर चौहान है कि वो चुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भारतीय सिनेमा को महान कलाकार देने वाले FTII की दीवारों पर महान फिल्म मेकर की तस्वीरों की जगह हर दीवार पर हड़ताली नारे लिखे हुए हैं। FTII के विजडम ट्री से लेकर कैंटीन तक हर तरफ हड़ताल विरोध हो रहे हैं। अभी तेरा इंग्लिश का टीचर ऐसा आया जिसको खुद ही इंग्लिश नहीं आता, इसको तू क्या करेगा? क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो कैरियर को डिस्कस किया जा रहा है वो गूगल को देख के किया जा रहा है। गूगल जो है वो इनकम्प्लीट है, वहां इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। वहां 14 फिल्में मेरे कैरियर के अगेंस्ट लिखी हुई है और वो मेरे कैरियर की उस वक्त की फिल्में हैं 80s और अर्ली 90s की। उसके बाद वो इनकम्प्लीट है पूरा सेशन। मैंने 150-200 हिंदी फिल्में की हैं, 25 फिल्में तो मैंने राजस्थानी में की हैं, जहां का मैं टॉप एक्टर था, नंबर वन एक्टर था और मुझे बहुत सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड राजस्थानी संस्थाओं ने दिए हैं। मैंने पंजाबी फिल्म की, एसमीज फिल्म की, बंगाली फिल्म की, तेलुगु की, तमिल की, कन्नड़ा की और मराठी की। दे हैव बीन मिसलेड बाय समबडी, कोई कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे हो रही है, वरना छात्र जो कला से जुड़े हुए होते हैं वो इस तरह का विरोध नहीं करते, इस तरह के प्रदर्शन नहीं करते। मैं भी एक कलाकार रहा हूं अपने जीवन में। गजेंद्र चौहान उर्फ युधिष्ठिर ऑफ महाभारत, मैं उन कलाकारों में से हूं जिन्हें फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन के माध्यम में भी काम करने का अवसर मिला। भगवान भगवान भगवान, अरे सब बकवास। कहा जाता है कि मन में हो अगर आस्था तो बंद दरवाजे में भी होता है रास्ता। सिर्फ नेकलेस ही लाए हो? ये हीरो का नेकलेस है डार्लिंग, इसे अपने सुंदर गले में पहनकर इस नेकलेस की शोभा बढ़ा दो। आ गए सत्संग में हम, संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। परम आदरणीय, परम श्रद्धे, परम पूजनीय आशाराम बापू जी को दंडवत प्रणाम करता हूं। What in your view is good cinema, Mr. Chauhan? Don't ask me questions. I'm not here for examination. No, but what is a good cinema? What is good cinema? What is good cinema? Mr. Chauhan, what is good cinema? जो फिल्म हिट हो जाती है वो ए ग्रेड होती है। FTII में जो ये इश्यू चल रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर, डेफिनेटली मैं ये ओपिनियन देना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, वो मतलब काफी अच्छी बात है, क्योंकि जिनमें क्रेडेंशियल्स नहीं वो इंसान अगर एक FTII है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसका अगर हेड है
तो डेफिनेटली मतलब कोई सवाल नहीं कि अगर प्रोटेस्टिंग कर रहे तो वो गलत है, लेकिन गजेंद्र चौहान जी का स्टेटमेंट है कि एक बार एक मौका तो दिया जाए तो अच्छा फिर... अगर मौका देने की बात कर रहे हैं तो मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि मतलब किसी की ज़िंदगी एक दाव पर लगी है, मतलब समझ रहे हैं आप? जी जी हाँ, तो ऐसा कैसे दाव पर लगाने लगे? लेकिन ये 40th स्ट्राइक है, मतलब इससे पहले भी बहुत स्ट्राइक हुई है, तो फिर मतलब क्यों ऐसा, ये FTII इतना है तो भी स्ट्राइक क्यों होती रह रही है? स्टूडेंट को क्यों यहाँ पर अच्छा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्यों इतना स्ट्राइक होती है? अभी देखिए, यहाँ पे FTII कैसी भी हो या फिर कोई भी दुनिया की इंस्टीट्यूट कैसी भी हो, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनका कोई इंसान उस पोस्ट पर बैठे तो वो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उनमें वो मेजोरिटी होती है। और प्रोटेस्टिंग करना ये तो एक मतलब आम इंसान का कर्तव्य है, इट इज़ राइट फॉर ह्यूमन बीइंग। तो प्रोटेस्टिंग करना ये कोई गलत बात नहीं है, और FTII हो या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, अगर वहाँ पे गलत हो रहा है तो प्रोटेस्टिंग करना चाहिए। आप ऐसे लोग लें जो आर्ट या कल्चर या फिल्म से जुड़े हों और जिनका एक बॉडी ऑफ वर्क हो, आप किसी भी ऐसे मीडियोकर बंदे को उठा करके नहीं रख सकते हैं कि इसके अलावा कुछ भी चार या पाँच छः मेंबर की एक कमेटी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि जिन लोगों को हमने चूज़ किया है उनका बॉडी ऑफ वर्क क्या है, वो उनके पास एक विज़न है कि नहीं, इंस्टीट्यूट को चलाने का एक विज़न है या नहीं, इसके बेस पे उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। सीधा सवाल, गजेंद्र चौहान नहीं तो और कौन? देखिए, ये हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी को देंगे, पिछले 82 दिनों से हम हमेशा कहते हैं कि चेयरमैन कौन ये आपका प्रायोरिटी है, आप करेंगे, लेकिन ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि आप जिस भी बंदे को लें वो कम से कम इस योग्य हो कि वो उसके पास एक विज़न हो। अब आपने सबने देखा है TVP की गजेंद्र चौहान से पूछते हैं कीवर्ड सिनेमा क्या है, तो उनके पास कोई जॉब नहीं होता, वो चुप हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये मैं जॉब नहीं दूंगा। आप नेशनल पीवर बोल रहे हैं कि मैं इस बात का जॉब नहीं दूंगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। पेपर बहुत गंदा था तो एग्जाम ऐसा होगा पिकनिक Why I am saying it? Because I am in academic. Had I been an engineer, I wouldn't know this. You know, in government college, way back, we had done two strikes. I was not exactly a leader. But after some time, it gets stalemate. You know, already government is showing the signs of cold shoulder. Unko kya lena dena hai na? Sachi bolo. They will say, I am more worried about drought in weather. I am more worried about that celebrity murder. Who has got time for it? I feel very bad for them. But I am a Puneite, I am coming to here for the last 25-30 years. I have taken 4-5 with my appreciation for with Satish Bhattu very earlier with Irish Karma. I am not throwing names to impress you. It is part of Puneite thoughts. It is a high time there is some compromise and I wish all the best. किसी का भी काम पर हमको टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है, जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, मगर ये ज़रूरी है कि जब सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वर्ल्ड रिप्यूटेड होते हैं उन पर उन लोगों को पद देना चाहिए जो थोड़ा बहुत उस पद की साख रख सकें। यू कांट कीप फाइटिंग आई विल बी द चेयरमैन, अरे इट्स नॉट गोइंग टू गेट मी एनीवेयर। मैंने पहले कहा क्या रिश्ता होगा आपका? As a student, as a teacher, what are you going to teach those children who are against you anyway? And I personally feel that you should leave aside your pride and ego and then voluntarily resign for the fact that, chalo, theek hai, if I'm not good enough, I'm not good enough. I learned so much that was taught and so much that was not taught, but one observed or one saw and one learned on one's own. And every day there were movies to see. You could take your pick. I mean, there were like 3 movies a day. You could walk into any one. It was like being in heaven. The Film Institute had not started in 1961. There was no chance of my becoming a filmmaker. It's almost a journey from innocence to experience. It gives a hope to anyone. You know, if I can get through, anybody can. Today, what am I? Today, people know what David Dhawan is. कोर्सेज का वक्त पर पूरा ना होना अब FTII का इतिहास बनते जा रहा है। 2008 का बैच जिसे 2011 में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी वो अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी ही कर रहे हैं। FTII का कैंपस हो या हॉस्टल, छात्रों की मायूसी उनके चेहरे पर देख के ही झलकती है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि बीते कई बरस में भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाने वाला FTII की हालत इतनी खराब
क्यों हो रही है। FTII की हालत का जायजा लेने के लिए पिछले कई सालों में कमेटी बनी। उन कमेटी की रिपोर्ट में यह पता चला कि FTII में जो 3 साल का कोर्स पूरा होना था वो अब तक 6 से 7 साल ले रहे हैं और साथ में FTII की हालत साल दर साल बिगड़ रही है। कई स्टूडेंट तो बिना डिग्री लिए ही लौट गए। एक्टिंग जैसे कोर्स FTII में बंद हो गए थे कुछ सालों के लिए। और हम बता दें कि बात करें FTII के कॉन्वोकेशन की तो 17 साल से FTII में कोई भी कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर साल दर साल बस खराब ही होते आया है। इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच FTII पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठ रहा है। और साथ ही हम बता दें कि FTII में क्लासेस खाली हैं, सब स्टूडेंट हड़ताल पर हैं। लेकिन इस बीच सरकार का तर्क यह है कि वे FTII के स्टूडेंट पर सालाना 12 लाख खर्च करती है, जबकि यही खर्च IIT के स्टूडेंट पर 3.5 लाख होता है। जब हमने FTII के स्टूडेंट से पूछा इन खर्चों के बारे में तो उनका कहना है कि सरकार का ये खर्च उनको समझ नहीं आता। अब इसमें स्टूडेंट सही है या सरकार? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वहाँ बच्चों को एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ वो एक कुएं के मेंढक बन गए हैं, एक कुकून मिल गया, एक कॉन्फिडेंस मिल गया, बाहर निकलना नहीं चाहते, दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, घबराए हुए हैं। मेरे सामने एक सिलेबस मीटिंग में स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट ने यूं फाइल फेंकी थी, बोले था नाउ वी विल टेल यू व्हाट टू पुट इन दिस सिलेबस, इज दिस इंस्टीट्यूट। आज मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर मेरा इंस्टीट्यूट है। गिव दैट रिस्पेक्ट। They don't. फिलहाल इस बात का इंतजार रहेगा कि 80 दिनों से चली आ रही इस हड़ताल का परिणाम क्या होगा। जी हाँ, FTII के छात्रों का भविष्य का सवाल बना हुआ है। देख सकते हैं आप ये लाल सवाल, क्या गजेंद्र चौहान रिजाइन देंगे? और साथ में आप देख सकते हैं कि एक कुर्सी पर रखा हुआ पत्थर, जी हाँ, इससे प्रतीत क्या हुआ है चेयरमैन पद की कुर्सी पर एक पत्थर। जी हाँ, सवाल बड़े बने हुए हैं भविष्य को लेकर, FTII के स्टूडेंट के भविष्य को लेकर और साथ में चेयरमैन पद को लेकर। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल ही जाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन आरती चौहान के साथ सौरभ प्रजापत, वेकअप इंडिया।